वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका पेपर है टीचर एंड टीचर एजुकेशन, जिसे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 में हाल फिलहाल शामिल किया गया है। इस बार पहली बार आपके सेमेस्टर में शामिल है ये पेपर। तो इसमें एक टॉपिक है शिक्षण और सीखने की बदलती अवधारणाएं, शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा पर इसके प्रभाव। ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का जो मैं आज के वीडियो में करवा रही हूँ। बेटे, मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ क्योंकि जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है वो भी रेलेवेंट नहीं है, और साथ में आपका सारा का सारा जो ये सिलेबस है वो एक जगह पर मिल नहीं सकता है, जगह जगह से कुछ ढूंढना पड़ता है, कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं एक एक पॉइंट करके आपके ये पॉइंट करवा रही हूँ बेटी, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैंने बहुत प्रिसाइज वे में इसको आपको समझाने की कोशिश की है बेटी। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। 21वीं सदी में शिक्षण यानी कि टीचिंग और सीखने की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं। टीचिंग लर्निंग की डेफिनेशंस यानी कि तरीके, उनके डेफिनेशंस, उनके प्रोसेस बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप खुद भी गौर कर रहे होंगे कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेसेस बहुत तेजी से बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी बीच में इन्वॉल्व हो जा रही है, साथ में टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पहले से बदलाव आ चुका है। नई नई पॉलिसीज की वजह से, नए रूल्स की वजह से आज टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो तकनीकी विकास की वजह से, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और विविध शिक्षण दृष्टिकोणों की वजह से अलग अलग जो टीचिंग के जो ओपिनियन है आने लगे हैं यहाँ पर, उनकी वजह से जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशनल हमारा जो सिस्टम है, इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं, व्यापक परिवर्तन आ चुके हैं। इस बदलाव का सीधा सीधा प्रभाव शिक्षकों पर भी और शिक्षक शिक्षा पर भी पड़ा, टीचर एजुकेशन पर भी पड़ा इसका असर। शिक्षण और सीखने की बदलती अवधारणाएं क्या क्या है? पहली बात तो आपको सबको पता होगा, प्यूपल सेंटर्ड हमारी एजुकेशन हो चुकी है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो चुकी है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। तो परंपरागत रूप से क्या होता था, हमारे यहाँ शिक्षक केंद्रित मॉडल हुआ करते थे, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी, जो अब चाइल्ड सेंटर्ड बन चुकी है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। पहले क्या होता था, जो शिक्षक होते थे, ज्ञान देने वाले हुआ करते थे, तो टीचर का मकसद होता था बच्चे तक ज्ञान पहुंचाना, लेकिन अब ज्ञान कैसे पहुंचाना है उसमें सेंटर में टीचर की जगह बच्चा आ चुका है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा आ चुकी है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब कि बच्चे तक ज्ञान पहुंचना चाहिए, बच्चा मेन है। अगर सिलेबस में दिक्कत आ रही है तो सिलेबस चेंज कर दीजिए, बट बच्चे तक चीजें पहुंचनी चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग हो चुकी है शुरू, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड शुरू हो चुके हैं, तो इनकी वजह से आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो चुकी है एजुकेशन में, तो डिजिटल उपकरण जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, साथ में वर्चुअल रियलिटी आ चुकी है, इन सब ने शिक्षण प्रक्रिया को इंटरैक्टिव बना दिया है, समृद्ध बना दिया। इनकी वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये बहुत ही इजी गोइंग हो गया है और बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हो गया है। तो शिक्षकों को अब इन तकनीकों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है, सीखना भी जरूरी हो गया है। तो शिक्षक शिक्षण में ये सारी की सारी तकनीकियां भी शामिल कर दी गई हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। साथ में एक बहुआयामी दृष्टिकोण लेकर के अब शिक्षक को चलना पड़ता है, क्योंकि अब शिक्षा केवल शैक्षणिक विषयों तक सीमित नहीं है, साथ में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा भी बच्चे को स्कूल से दी जानी है, नैतिक शिक्षा भी स्कूल से दी जानी है, साथ में उसको वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी है यानी कि व्यावसायिक कौशल भी स्कूल से ही दिया जाना है। तो ये सब भी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, ये सब बातें बदल चुकी हैं आजकल सिलेबस में। साथ में व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने पर जोर है, पर्सनल लर्निंग पर जोर है अब, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सिखाना है। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली अलग होती है, हर बच्चा अपने अलग स्टाइल में सीखता है, अलग स्पीड से सीखता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए टीचिंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाना जरूरी है, ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाना जरूरी है, ज्यादा पर्सनल बनाया जाना जरूरी है, यानी कि अब शिक्षण को ज्यादा लचीला, ज्यादा व्यक्तिगत बनाने की आवश्यकता है। तो इन बातों को शिक्षक प्रशिक्षण में भी शामिल किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के आज की तारीख में जो शिक्षण और सीखने की बदलती अवधारणाएं हैं, उन्हें चार पॉइंट हमारे सामने आए। छात्र केंद्रित शिक्षा हो चुकी है, तकनीकी इसमें शामिल हो चुकी है, मल्टी डायमेंशनल हमें शिक्षा देनी है बच्चे को, और साथ में उसके पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी है। ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं। पहली बात,
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, दूसरी बात टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी हो गया है, तीसरी बात मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन हो गई है, बच्चे को केवल हमें वोकेशनल नॉलेज नहीं देना है, साथ में हमें उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना है, साथ में उसको मॉरल एजुकेशन भी देना है, इमोशनली भी उसको ट्रेन करना है। तो एक तरह से बहुआयामी दृष्टिकोण आ चुका है शिक्षण में, साथ में हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसके व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए, उसके व्यक्तिगत जो अंतर है उनको ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षण दी जानी जरूरी हो चुकी है। इन सब चीजों का, ये चार जो बदलाव आए हैं समाज में, इनका शिक्षक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ये हम पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा विकास का महत्व बढ़ चुका है, अब शिक्षकों को नई नई तकनीकों, शिक्षण पद्धतियों और जो करंट अफेयर्स होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, उन पर निरंतर ट्रेंड किया जा रहा है, उनका निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि उनके वर्कशॉप कराए जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कराई जा रही हैं, सेमिनार कराए जा रहे हैं, साथ में डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी हो चुकी है। शिक्षकों के लिए अब डिजिटल टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी का जानकारी होनी चाहिए और उनका इफेक्टिव यूज करना भी आना बहुत जरूरी हो चुका है, जैसे स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना, ई कंटेंट तैयार करना टीचर्स को आना चाहिए, अदरवाइज वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। साथ में अब रोल में बदलाव आ चुका है, शिक्षक अब केवल जानकारी देने वाले शिक्षक नहीं रह गए हैं, अब वो गाइड बन चुके हैं, मेंटोर बन चुके हैं, कोच बन चुके हैं, अब टीचर की जगह बच्चों टीचर के लिए फैसिलिटेटर वर्ड इस्तेमाल होने लगा है। साथ में मूल्यांकन के तरीकों में बदलाव आ चुका है, इवेल्युएशन के प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है, अब जो परंपरागत पहले परीक्षा पद्धति हुआ करती, एक बार एग्जाम हुआ या मिड टर्म एग्जाम हुआ, एनुअल हुआ, रिजल्ट दे दिया, बच्चा पास हो गया या फेल हो गया, वो चीज अब चेंज हो चुकी है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन कराए जाते हैं, उनसे एक्टिविटी बेस्ड उनका इवेल्युएशन होता है, एक कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन किया जाता है बच्चे का। NEP 20 भी यही बात कह रही है कि आपको बच्चे का कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करना है, यानी कि बच्चे की हर एक्टिविटी का, बच्चे के सभी गुणों का मूल्यांकन किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा हो तभी वो अच्छा होगा, तो उसके हर एस्पेक्ट का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। साथ में समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण टीचर्स को दिया जाना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब हर कक्षा में जो शिक्षक होते हैं उन्हें अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चे मिलते हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी कई बार क्लास में होते हैं और साथ में कल्चरल डिफरेंस वाले बच्चे भी क्लास में होते हैं, तो इनकी वजह से टीचर्स को अपनी जो टीचिंग की टेक्निक्स होती हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं, यानी कि क्लास में अनुसूचित जाति के जनजाति के बच्चे हो सकते हैं, लड़के लड़कियां साथ में होते हैं क्लास में, साथ में दिव्यांग बच्चे भी होते हैं और अलग कल्चर के आए हुए बच्चे भी क्लास में होते हैं, तो उन सबको एक साथ शिक्षक कैसे शिक्षण देगा, इस बात का प्रशिक्षण भी अब शिक्षकों को दिया जाता है। अब शिक्षकों के लिए ऐसी स्थिति में क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं, इनको हम जानेंगे। चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहली चुनौती है शिक्षकों के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी। जो इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 20-20 25-25 साल हो चुके हैं, 30-30 साल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए अब तकनीकी ज्ञान नए सिरे से सीखना कई बार बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए लर्निंग बहुत मुश्किल हो जाती है। नई टेक्नोलॉजी को सीखना एक एजड पर्सन के लिए थोड़ा सा यंग के मुकाबले बहुत मुश्किल हो जाता है, पहली बात तो ये होती है। और दूसरा, जो टीचर जो शिक्षक बहुत लंबे टाइम से पुरानी तकनीकी से पढ़ाते चले आ रहे हैं, उनको नई पद्धतियों को अपनाने में बहुत परेशानी आती है, वो उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और तीसरा, समय प्रबंधन और काम का बोझ। सीधी सी बात है, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नई शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, काम का बोझ बढ़ता ही है, टीचर्स पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कई बार कोर्स अधूरा रह जाता है, कई बार कुछ एक्टिविटीज छोड़ देनी पड़ती हैं, तो ये चुनौतियां शिक्षकों के सामने आती हैं। अब अवसर क्या क्या मिले हैं इसमें नई शिक्षा नीति से, या जो नए जो शिक्षक के शिक्षण कार्यक्रम जो आए हैं, इनसे अवसर क्या क्या मिले हैं, अचीवमेंट क्या क्या मिल सकती है, छात्रों के साथ बेहतर संवाद। अब शिक्षक जो है अपने छात्रों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, साथ में वैश्विक शिक्षण समुदाय का हिस्सा बनने की संभावना बन जाती है। जब टीचर्स शिक्षक जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लास में नए प्रयोग करते हैं, तो उनके कुछ तरीके ऐसे जरूर निकल करके आ जाते हैं जो ग्लोबल लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर एक कारगर साबित होते हैं, तो ऐसे में वो वैश्विक शिक्षक समुदाय का हिस्सा बनने की उनको मौका मिलने की संभावना होती है। साथ में बहुआयामी शिक्षण के लिए नए संसाधनों का उपयोग करना उनको आता है, मल्टी डायमेंशनल टीचिंग के लिए वो नई नई टेक्निक सीखते हैं, उनको नई
तकनीकी का ज्ञान होता है, नए संसाधनों का इस्तेमाल करना आता है, तो ये सब अवसर मिलते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण और सीखने की अवधारणाओं में बदलाव ने शिक्षा प्रणाली को अधिक गतिशील, लचीला और प्रभावी बनाया है, क्योंकि अवधारणाओं में बदलाव आ चुके हैं। अब पहले कुछ अलग कंसेप्ट हुआ करते थे टीचिंग लर्निंग के, अब कुछ और हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये गतिशील हो गया है, लचीला हो गया है, प्रभावी हो गया है, यानी कि एक तरह से एक्टिव हो गया है, साथ में फ्लेक्सिबल हो गया है, इफेक्टिव हो गया है। शिक्षकों की भूमिका इन परिवर्तनों के केंद्र में, मतलब इसमें पूरा का पूरा दारोमदार शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है सारी की सारी, और शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन इन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक की भूमिका बढ़े तो शिक्षकों को ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए शिक्षक शिक्षक टीचर्स को जो एजुकेशन दी जा रही है उसका भी पुनर्गठन बहुत जरूरी है, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो इन बदलावों को स्वीकार करते हुए शिक्षक और शिक्षा प्रणाली एक बेहतर और समावेशी भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मतलब इन बदलावों को शिक्षक भी स्वीकार करें और साथ में जो शिक्षकों को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो भी स्वीकार करें, उसी तरीके से उनका पाठ्यक्रम तैयार करें, तभी आने वाले समय में एक उज्ज्वल भविष्य की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, शिक्षण और सीखने की बदलती अवधारणाएं, शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा पर इसके प्रभाव। ये मेरे हिसाब से यहीं पर खत्म हो जाता है बेटे। आपको कोई स्टडी मटेरियल में इस तरह का टॉपिक दिया हुआ नहीं है, वरना मैं वहां से आपके लिए और नोट ढूंढ करके ले आती। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। मैं आपको एक एक पॉइंट इसी तरीके से कराती रहूंगी, आप लोग पेपर तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। इनको अच्छी तरह से देखते रहिए, समझते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।